हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू नॉक टीवी। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम ऑफ एन स्कॉट मोमाडे। एम एन स्कॉट मोमाडे वाज एन अमेरिकन राइटर एंड ही वाज बोर्न इन 1934। ही इज़ अ गुड राइटर, क्रिटिक, एसिस्ट। सो इन दिस पोएम ही टेल्स अस अबाउट द प्लेयरमेंट, अबाउट द एंटरटेनमेंट ऑफ नेचर। वो समझता है कि नेचर से प्यार करना जो है वो एक ज़िंदा, एक लाइव इंसान की शान है, एक लाइव इंसान की अलामत है। अगर इंसान मुर्दा है तो वो नेचर से प्यार नहीं कर सकता। मुर्दा, उसने उसको मेंटली मुर्दा कहा है, मेंटली डेड कहा है। तो देखते हैं इस पोएम में क्या है। इसका टाइटल देखें, दी डिलाइट सॉन्ग। डिलाइट मीन स्वीट, प्लेयर प्लेजेंट, सॉन्ग मीन गीत, दी डेफिनेट आर्टिकल है। तो ये एक ऐसा गीत है जिसमें खुशी है, जिसमें प्लेजेंट है, जिसमें प्लेयर है, जिसमें स्वीटनेस है। तो राइटर कहता है, आई एम अ फेदर ऑन द ब्राइट स्काई। देखिए, राइटर जो है ना वो अपने आप को नेचर के साथ जोड़ता है। राइटर ट्राइज हिज लेवल बेस्ट टू रिसेंबल हिमसेल्फ विद द नेचर। सो वो कहता है कि आई एम पार्ट ऑफ द नेचर, मैं नेचर का हिस्सा हूँ, बिकॉज आई एम एंजॉयिंग द नेचर। तो यही बात उसने की है कि आई एम अ फेदर ऑन द ब्राइट स्काई। ब्राइट स्काई कहते हैं एक रोशन आसमान, एक सनशाइन आसमान, एक लाइटेड आसमान, लाइटेड स्काई। तो कहता है मैं एक रोशन आसमान जो है उसके ऊपर मैं क्या हूँ, एक फैदर हूँ, मैं एक पर हूँ। यानी कि मैं एक पर हूँ। पर के यहाँ दो मतलब हैं, एक विंग होता है, पर होता है। एंड पर जो है, विंग जो है, और फैदर जो है, ये लाइटेस्ट होता है, सबसे हल्का होता है, ये हवा में ऊपर उड़ जाता है। एक दूसरा मतलब है फैदर, कह के उसने यहाँ बर्ड जो है ना मुराद ली है। तो कहता है मैं एक बर्ड हूँ, मैं एक परिंदा हूँ, चूँकि फैदर ज़ाहर है, फैदर इतना ऊपर नहीं जा सकता ना, तो बर्ड ही है यहाँ। आई एम अ फैदर ऑन द ब्राइट स्काई। तो मैं कहता है इस रोशन आसमान के ऊपर एक जो है एक परिंदे की तरह उड़ रहा हूँ। ये राइटर की नेचर के साथ एफिलिएशन है, राइटर की नेचर के साथ मोहब्बत है, चूँकि उसका ये ख्याल है कि जो ज़िंदा लोग हैं वो नेचर से मोहब्बत करते हैं, और ज़िंदा लोगों की यही निशानी है, यही शान है। और ये उसने कहा है कि मैं भी, आई एम आल्सो पार्ट ऑफ द नेचर इन दिस पोएम। तो मैं कहता है एक पर हूँ, एक परिंदा हूँ जो आसमान के ऊपर मैं उड़ता हूँ। फिर आई एम द ब्लू हॉर्स दैट रन्स इन द प्लेन। आई एम द ब्लू हॉर्स, कभी ब्लू हॉर्स हुआ है कभी? नहीं होता ना। ये एक इडियोमेटिकल मीनिंग है इसका, मैं बताता हूँ क्या मतलब है इसका। ये ब्लू हॉर्स वो हॉर्स होता है जो पेट ना हो, जिसको घर में रख के गले में रस्सी ना बांधी हो, जिसके ऊपर ब्राइडल ना हो, लगाम ना हो पकड़ने के लिए, स्ट्रिप्स ना हो पकड़ने के लिए। दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, यू कैन से इट दैट दिस इज वाइल्ड हॉर्स। जंगली घोड़ा है ये, और जंगली घोड़ा जो है वो अपनी मर्जी का मालिक होता है। वो ही इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ हिज लॉर्ड। वो अपने आका के अंडर नहीं होता, वो आज़ाद होता है। यहाँ यही काम वो कर रहा है, वो भी आज़ाद बन रहा है। कहते हैं आई एम द ब्लू हॉर्स, मैं वो ब्लू हॉर्स हूँ। देखिए यहाँ दी लगा दिया ना उसने, दी लगाएगा तो अब इसके आगे दैट भी लगाना पड़ेगा उसको, क्योंकि दी लगा के मैं वो घोड़ा हूँ, उसने स्पेसिफाई कर दिया है। जब स्पेसिफाई करेगा वो रीज़न बताएगा, उसकी रीज़न क्या है, ये रीज़न है दैट रन्स इन द प्लेन, कि वो घोड़ा हूँ जो प्लेन्स में भागता है। प्लेन कहते हैं लेवल्ड एरिया, मैदानी इलाका, मैदान, वेयर देर आर नो डिचिज, जहाँ डिचिज ना हो, जहाँ गड़े ना हो, इको लैंड जहाँ पे हो। कह रहा है मैदानों में दौड़ता है, मैं वो घोड़ा हूँ, वो जंगली घोड़ा हूँ जो मैदानों में दौड़ता है, जो किसी के काबू में नहीं आता, जो किसी के अंडर नहीं है, वो अपनी मर्जी का खुद मालिक है, मैं वो हूँ। तो शायद फिर देखें नेचर के साथ अपनी एफिलिएशन दिखा रहा है, नेचर के साथ जा रहा है वो। आई एम द फिश, फिर दी लग गया, यहाँ भी दी लगा दैट, मैं वो फिश हूँ। क्या, कौन सी फिश है भी ये? दैट रोल्स, जो सर्कल लगाती है, जो स्विम करती है, कहाँ? शाइनिंग इन द वाटर, पानी में, जो पानी में चमकती है। क्योंकि पानी में जब मछली रोलिंग करती है,
स्विमिंग करती है, सर्कलिंग करती है पानी में, जब वो गोते लगाती है, डाइविंग करती है, उसके ऊपर जो पर होते हैं उसके, उसके ऊपर जो बोनी प्लेट्स होती हैं, दैट शाइन्स इन द लाइट ऑफ सन, सूरज की रोशनी जब उन पर पड़ती है पानी से टकरा कर, तो उसमें एक शाइनिंग पैदा होती है। यही वो कह रहा है, कह रहा है कि मैं वो फिश हूँ कि जो पानी में रोल करती है, पानी में सर्कल लगाती है और पानी में स्विमिंग करती है। मैं कहता है मैं वो पानी में तैरने वाली वो मछली हूँ। अपने आप को मछली कह रहा है, फिश कह रहा है, कभी अपने आप को ब्लू हॉर्स कह रहा है, कभी अपने आप को फैदर कह रहा है वो। अब देखें और क्या कह रहा है, आई एम द शेडो दैट फॉलोज अ चाइल्ड, आई एम द शेडो, मैं वो शेडो हूँ, दैट फॉलोज द चाइल्ड, चाइल्ड बच्चे को कहते हैं, फॉलो होता है जो पीछे पीछे चलता है, एक बच्चा जब चलता है तो उसका साया भी साथ चलता है ना, और बच्चा चूंकि इनोसेंट होता है तो उसका साया भी इनोसेंट ही होगा, तो बच्चा जो हरकतें करेगा साया भी वही हरकतें करेगा, शेडो भी वही हरकतें करेगा। ये कहता है कि मैं बच्चे के साथ बच्चा बन जाता हूँ, मैं फिश के साथ फिश बन जाता हूँ, मैं ब्लू हॉर्स के साथ ब्लू हॉर्स बन जाता हूँ, और मैं बर्ड के साथ बर्ड बन जाता हूँ। तो यहाँ भी ये बात कह रहा है कि मैं बच्चा जो इनोसेंट है मैं उसके पीछे पीछे जाऊँगा, जैसे बच्चा करेगा वैसे ही मैं करूँगा, मैं उसका शेडो बन जाऊँगा। शेडो का मतलब ही ये होता है कि जो वो करेगा शेडो भी वही करेगा। तो आई वॉन्ट टू बिकम अ शेडो ऑफ द चाइल्ड बिकॉज चाइल्ड इज़ एन इनोसेंट क्रिएचर ऑफ नेचर, अल्लाह ताला की ये जो मखलूक है उसमें इनोसेंट बच्चा होता है। कहता मैं वो भी बन जाऊँगा। फिर कहता है आई एम द इवनिंग लाइट द लस्टर ऑफ मिडोज, इवनिंग लाइट शाम की लाइट, वैन द सन इज गोइंग डाउन, जब सूरज नीचे जा रहा होता है ना, दैट इज कॉल्ड डस्क, और जब सूरज निकलता है उसको कहते हैं डॉन, वैन द सन राइजेज, सूरज के निकलने को डॉन कहते हैं, डूबने को डस्क कहते हैं, डॉन टू डस्क मीन सूरज निकलने से लेकर सूरज ग्रूब होने तक। यहाँ वो बात कर रहा है इवनिंग की, इट मीन इट इज़ अ डस्क टाइम, व्हेन द सन इज़ गोइंग डाउन, जब सूरज डूबने जा रहा है उस वक्त की बात कर रहा है। कह रहा है उस वक्त जब, व्हेन द सन इज़ गोइंग डाउन, उस वक्त जो सूरज की लाइट है जब वो मीडो पे पड़ती है, मीडो इज़ द ग्रास, लैंड ऑफ ग्रास, जहाँ पे पास्चर, मीडो मीन पास्चर, लॉन ऑफ ग्रास, ग्रास द ओपन एरिया ऑफ ग्रास, तो वेयर एनिमल्स आर ग्रेज्ड, जहाँ जानवर चराए जाते हैं। तो वो ये मिडो कह रहा है चरागाह को, पास्चर को, घास के मैदानों को, कहता है मैं घास के मैदान का लस्टर हूँ। लस्टर कहते हैं चमक दमक, शानो शौकत। मैं शाम के टाइम जो सूरज की रोशनी पास्चर पे पड़ती है, मिडो पे पड़ती है, तो वो कितना ब्यूटीफुल लगता है। कहता है मैं वो हूँ, यानी कि ही वांट्स टू बिकम अ लस्टर ऑफ द मिडो, लस्टर ऑफ द पास्चर, वो पास्चर का लस्टर बनना चाहता है, पास्चर की शान बनना चाहता है वो। तो कहता है मैं शाम की जो लाइट है जो मिडो पे पड़ती है, और मिडो ब्यूटीफुल नज़र आता है, खूबसूरत नज़र आता है, शान व शौकत वाला नज़र आता है, आई एम दैट लस्टर, मैं वो शान हूँ उसकी। लस्टर मीन शान व शौकत, ब्यूटी खूबसूरती, और इवनिंग लाइट मीन शाम की रोशनी, व्हेन द सन इज गोइंग डाउन। आई एम द ईगल प्लेइंग विद द विंड, मैं एक ईगल हूँ, अब ईगल बन गया वो। ईगल क्या है, ये परिंदों का हेड होता है, परिंदों का किंग होता है, बर्ड का सरदार होता है ये। तो ये जो अकेले में उड़ता है, ये इसकी भी एक शान है कि ये अकेले में फ्लाइट करता है। बाकी ऑल द बर्ड्स फ्लाई इन अ फोक, क्राउड, तमाम परिंदे क्राउड में उड़ते हैं, एक क्लस्टर में उड़ते हैं, लेकिन ये अकेले में फ्लाइट, इसकी अकेले में फ्लाई करता है ये। तो कह रहा है कि आई एम द ईगल, मैं वो ईगल हूँ प्लेइंग विद द विंड, जो हवा के साथ खेलता हूँ। हवा के साथ खेलने का मतलब है हवा को फेस करता है, ही हैज़ टू फेस द लैशेज ऑफ द विंड, हवा की जो पेड़े हैं, हवा की जो लहरें हैं, उसको ये बर्दाश्त करता है। और क्यों बर्दाश्त करता है, ईगल वांट्स टू गो अप एंड अप, ये ऊपर से ऊपर जाना चाहता है, क्योंकि अगर अब तेज़ हवा को देखकर या हम कहते हैं बड़ी स्वीयर हवा चल रही है, स्वीयर विंड चल रही है, तो ये बर्ड बैठ जाएंगे
कि हवा चल रही है तो हम नहीं जा सकते, जब हवा रुकेगी तो हम उड़ जाएंगे, तो कह रहा है वो कभी उड़ नहीं सकते। लेकिन मैं क्या करता हूँ, ये बर्ड जो ईगल है ये उसी हवा का तो फ़ायदा उठाता है, वही हवा इसको ऊपर लेके जाती है, लेकिन तब लेके जाएगी जब ये हवा को फेस करेगा। हम नीचे बैठने से तो हवा लेके नहीं जाएगी ना, तो ये हवा को फेस करता है, उसने प्लेइंग लगाया है। देखिए फेस करता है, ट्रबल आती है, मुश्किल पेश आती है, इसके बावजूद वो खुश है कि नहीं, वो हवा के साथ खेल रहा है। ये असल में ब्यूटी ऑफ नेचर की इंतहा की उसने, और उसके जो हर्डल्स हैं, उसकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, उसको भी उसने एक प्लेजेंट वे में बयान किया है। तो वही कह रहा है कि मैं वही बन जाता हूँ, मैं ईगल बन जाता हूँ जो हवा के साथ खेलता है, हवा के साथ जो अटखेलियाँ करता है, जो हवा के साथ जॉकिंग करता है, मैं वो बन जाता हूँ। फिर कहता है आई एम अ क्लस्टर ऑफ ब्राइट बीड्स, मैं जो ब्राइट कहते हैं रोशन, शाइनिंग, चमकते हुए, बीड्स कहते हैं मोती, पर्ल, ठीक है, मनके आप कह लें, मनकों से डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती हैं, गले का नेकलेस बनाया जाता है, हार जो गले में पहनते हैं वो बनाया जाता है मोतियों का, और एक तस्बीह बनाई जाती है वो भी मोतियों की होती है, डिफरेंट मटेरियल यूज़ होता है उसमें। तो बीड्स आर मेड बाय डिफरेंट मटेरियल्स, वो मे बी वुड हो सकती है, मे बी कोई मेटल हो सकता है, मे बी कोई कुछ और मटेरियल हो सकता है, वो नहीं उसने बताया। उसने कहा है आई एम द क्लस्टर ऑफ, क्लस्टर कहते हैं ग्रुप को, एक ग्रो को, ये कलेक्टिव नाउन है ये, और कलेक्टिव नाउन जो होता है ये कलेक्टिवली एक मीनिंग देता है, ग्रुप का नाम होता है ये। मैं एक ग्रुप बन जाता हूँ, ग्रुप ऐसी जब बीड्स को इकट्ठा किया जाता है इन अ स्ट्रिंग, एक धागे के अंदर, तो वो क्या बनता है, वो गारलैंड तो बनता है, नेकलेस बन जाता है, नेकलेस, गारलैंड, तस्बीह बन जाती है, जो भी बनता है वो एक क्लस्टर बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है, क्राउड बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है। तो कह रहा है वो जो क्लस्टर बनता है ना बीड्स का चमकता हुआ, मैं वो हूँ। देखें अपने आप को, बीड्स का चमकता हुआ क्लस्टर, बीड का चमकता हुआ क्राउड या ग्रुप अपने आप को कह रहा है। बीड्स मैंने कहा ना आपको, मनके, दाने, मोती, पर्ल, ये हैं, और ब्राइट होता है रोशन, ब्राइट, शाइनिंग, क्लस्टर कहते हैं ग्रुप को। आई एम द फार्थेस्ट स्टार, अब अपने आप को आसमान पे ले गया ये, आसमान पे सितारे हैं, बहुत सारे सितारे हैं, कहता है जो इनमें सबसे दूर नज़र आता है मैं वो हूँ। फार होता है दूर, दिस इज़ एन एडजेक्टिव, फार की थर्ड डिग्री लगी हुई है, फार, फार्दर, फार्देस्ट, एंड वेन वी यूज़ थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव वी यूज़ दी विद देम, उनके साथ, हम सब के साथ, जब भी वर्ब की थर्ड, सॉरी एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री लगाते हैं उसके साथ हम दी लगाते हैं, यहाँ लगाया उसने। आई एम दी फार्देस्ट स्टार, मैं वो दूर दराज चमकने वाला सितारा हूँ, अब सितारा बन गया वो, आसमान पे भी जा रहा है, ज़मीन पे भी रह रहा है, दोनों दोनों जहाँ जहाँ ब्यूटी ऑफ नेचर उसको नज़र आती है उसके साथ अपनी एफिलिएशन, अपनी रिसेम्बलेंस शो कराता है वो। आई एम द कोल्ड ऑफ द डॉन, डॉन होता है डे ब्रेकिंग, वेन द सन राइजिज, जब सूरज निकलता है उसको कहते हैं डॉन। मैंने आपको बताया था डॉन टू डस्क, डस्क होता है ग्रूब होना, यहाँ आया था इवनिंग, और डॉन होता है सूरज का निकलना, मॉर्निंग टाइम, जब सूरज निकलता है उस वक्त सर्दियों में कितनी सर्दी होती है, यख सर्दी, यही कहा उसने, कोल्ड नॉट कूल, कूल थोड़ी सर्दी, कूल कोल्ड ज़्यादा सर्दी, ज़्यादा ठंड, तो कहता है यख सर्दी होती है, ठंड होती है, कब, ऑफ द डॉन, जब सूरज निकलता है, जब दिन ब्रेक होता है, एट द टाइम ऑफ डे ब्रेकिंग, दिन के निकलते वक्त जो सर्दी होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो कहता है मैं वो सर्दी हूँ, यानी कि सर्दी वो भी गॉड है, वो भी ब्यूटी ऑफ नेचर है, ये ब्यूटी ऑफ नेचर फिर बन गया ये। फिर कह रहा है आई एम द रोरिंग ऑफ द रेन, जो रेन आती है, बारिश आती है, बारिश बरसती है ज़मीन पे, उसकी एक आवाज़ आती है, तो मैं कह रहा है वो जो आवाज़ आती है उसको उसने रोरिंग कहा है, कहता है वो मैं हूँ, आई एम, मैं हूँ, अपने आप को अटैच कर रहा है उसके साथ, मैं रोरिंग हूँ, मैं शोर हूँ, नॉइस हूँ, मैं जो आवाज़ पैदा होती है, साउंड किसकी, ऑफ द रेन, बारिश की, मैं बारिश की आवाज़ बन जाता हूँ। आपने एक पोएम भी पढ़ी है ना दी रेन, तो उस रेन में जो W.H. डेविज ने लिखी थी, फर्स्ट पोएम है इसकी,
उसमें उसने यही बताया था कि रेन का जो आवाज़ है, रेन की जो साउंड है, बहुत खूबसूरत लगती है मुझे। राइटर कहता है मैं उसकी आवाज़ को सुन रहा हूँ बैठ के। सेम कुछ यहाँ नज़र आ रहा है हमें कि वो कह रहा है कि उसकी जो आवाज़ है ना, मैं वो बन जाता हूँ। फिर कह रहा है आई एम द ग्लिटर ऑन द क्रस्ट ऑफ द स्नो। कितना खूबसूरत जुमला उसने यूज़ किया है, जो स्नो पड़ती है, स्नो फॉलिंग इलाके जो हैं, जहाँ पे स्नो फॉलिंग एरिया जो हैं, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, यहाँ पे बर्फ़बारी होती है, वो जब गिरती है तो लूज़ होते हैं, तो उस बर्फ़ के लूज़ बर्फ़ गिरती गिरती एक हीप बन जाती है। उसकी टॉप लेयर को, उस टॉप लेयर को कहते हैं क्रस्ट। टॉप लेयर ऑफ द स्नो इज कॉल्ड क्रस्ट, ऊपर वाली तय, फोल्ड भी कहते हैं, लेयर भी कहते हैं उसको, तय भी कहते हैं उसको। उस ऊपर वाली तय में जब सूरज की रोशनी पड़ती है, चूँकि वो लूज़ होती है, तो सूरज की रोशनी कुछ जो ना डेप्थ तक चली जाती है, फिर वो रिफ्लेक्शन बाहर जाती है, तो उसमें से ग्लिटरिंग आती है, एक चमक आती है। क्या मैं कहता मैं वो बन जाता हूँ। ग्लिटर जो है उसका अपनी कोई लाइट नहीं है। देखिए ये बल्ब मैंने चलाया तो बल्ब की अपनी लाइट है, लेकिन ग्लिटर जो है उसकी अपनी लाइट नहीं है, उसके ऊपर कोई और लाइट पड़ेगी तो फिर उसकी रिफ्लेक्शन आएगी, दैट इज़ कॉल्ड ग्लिटर। तो ग्लिटर बन जाता हूँ मतलब मैं चमकता हूँ, चमक बन जाता हूँ, और मैं एक ब्राइटनेस मेरे में आ जाती है। किस वजह से? क्रस्ट ऑफ द स्नो, के सूरज जो स्नो के ऊपर जो क्रस्ट है उसके ऊपर मैं चमकती हुई एक रोशनी हूँ। क्लियर। आई एम द लॉन्ग ट्रैक ऑफ द मून इन द लेक। लेक कहते हैं नदी को, लेक कहते हैं स्ट्रीम को। वेयर देर इज अ सफिशेंट स्टोरेज ऑफ वाटर इन अ लेक। एक पानी का एक जखीरा होता है, क्लोज्ड विद द क्लोज बैंक्स, जिसके किनारे बंद होते हैं। तो कह रहा है उस नदी के किनारे, उस नदी में पानी होता है, उस पानी में जब चांद की रोशनी आती है, तो आपको ये पता है कि रोशनी जो है वो खत मुस्तकीम में सफ़र करती है, स्ट्रेट चलती है, वो अपना रास्ता नहीं बदलती। तो अब लेकिन जब रोशनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो अपना रास्ता बदल लेती है। यहाँ देखें, जब रोशनी हवा से गुजर के आ रही है सीधी आएगी, जब पानी से गुजर के नदी में जाएगी, लेक में जाएगी, अपनी थोड़ा सा साइड बदल लेगी। और उसी को उसने कहा है कि जब बदलेगी, एक स्टेट आ रही है, यूं जाएगी, थोड़ा सा लॉन्ग ट्रैक नज़र आएगा उसको पानी के अंदर, एक मून का एक ट्रैक नज़र आएगा, मून का एक रास्ता नज़र आएगा। ट्रैक कहते हैं फिक्स्ड रूट, पक्का रूट, क्योंकि चाँद अपना रास्ता बदल ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ने चाँद सूरज को एक ख़ास सर्कल में रख के, एक ख़ास मदार में रख के छोड़ दिया है, उसी पे अपना रास्ते पे चलते हैं, उनका वो पक्का पक्का रूट है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रैक। तो कह रहा है कि मैं एक लंबा ट्रैक बन जाता हूँ, लॉन्ग यहाँ एडजेक्टिव है, मैं एक लंबा ट्रैक बन जाता हूँ, एक सड़क बन जाता हूँ, एक मैं पटड़ी बन जाता हूँ, किसकी? ऑफ द मून इन द लेक, नदी में मून की, नदी के अंदर जो चांद की रिफ्लेक्शन है, मैं ही उसका रास्ता जो है वो मैं हूँ, मैं बन जाता हूँ वो। आई एम द फ्लेम ऑफ द फोर कलर्स, मैं चार कलर वाला फ्लेम बन जाता हूँ। फ्लेम कहते हैं शोले को, शोला कैंडल का भी हो सकता है, शोला एक बर्नर का भी हो सकता है, गैस चलाते हैं उसका भी हो सकता है, ऑयल चलाएं उसका भी हो सकता है, लकड़ी वुड को आग लगाएं उसका भी शोला होता है। तो हर शोले की लाइट पे लाइट जो है ना वो डिफरेंट होती है। एक अगर गैस का शोला होगा उसमें ब्लूश भी होगा, ब्लू भी होगा। तो ये जितने भी होंगे ना, फोर कलर होते हैं एक शोले में, फोर, देर आर फोर कलर इन अ फ्लेम। तो वही उसने कहा है कि जो शोले के चार रंग हैं उनमें कौन कौन से, उसमें रेड है, उसमें येलो है, उसमें ब्लू है, उसमें वाइट है, उसमें ऑरेंज है। तो कह रहा है मैं जो शोले के अंदर जो कलर होते हैं मैं वो बन जाता हूँ। आई एम द होल ड्रीम ऑफ दीज थिंग्स, दीज जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये इशारे के लिए आता है। दिस का ये है, दिस होता है करीब का इशारा, दैट होता है दूर का इशारा। दिस की प्लूरल है दीज, और दैट की प्लूरल है दोज। तो यहाँ दीज यूज़ हुआ है, इसका मतलब है इसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। जो कुछ उस ऊपर उसने गिना है ना उसको दीज कहा है। दीज थिंग्स, इन चीज़ों की बात कर रहा है, ये चीज़ें जो गिन के आया है, जो चीज़ें उसने हमें एन्यूमरेटेड कराई हैं, जो उसने गिनवाई हैं, उन चीज़ों की बात कर रहा है। कह रहा है मैं इन चीज़ों का एक ख्वाब हूँ,
होल ख्वाब कहा उसने, पूरे का पूरा ख्वाब हूँ। होल दो होते हैं, एक एच ओ एल ई होल होता है जिसका मतलब होता है सुराख, ये डब्ल्यू एच ओ एल ई है इसका मतलब है कंप्लीट, सारे का सारा, मुकम्मल, परफेक्ट। मैं कहता है कि मुकम्मल तस्वीर हूँ, मुकम्मल एक ख्वाब हूँ, किसका, इन सारी चीज़ों का। अच्छा उसने ख्वाब क्यों कहा, उसने रियलिटी क्यों नहीं कहा? रियलिटी इसलिए नहीं कहा कि ये बर्ड नहीं है, उसने कहा बर्ड की तरह बर्ड बन जाता हूँ, उसने कहा मैं फ़िश बन जाता हूँ, फ़िश नहीं है ये, बन जाता हूँ, बन जाता हूँ, अगर ये खुद है तो रियलिटी होती। तो ये कह लें कि मैं उनका एक ख्वाब हूँ, मैं यानी मेरे अंदर ये सब समाए हुए हैं, मैं उनका एक पार्ट हूँ, यूँ कह लें आप। यहाँ ड्रीम का मतलब पार्ट, आई एम पार्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, तो मैं इन सब का एक हिस्सा हूँ। अच्छा यहाँ बात ख़त्म हो गई है, राइटर ने कह दिया है कि मैं ये सारा कुछ हूँ। आगे पे उसने पहले बात की थी स्टार्ट में, उसने कहा था कि ये जो सारा कुछ इंजॉय करता ना, ये एक अलाइव पर्सन करता है, एक लिविंग बंदा करता है, जानदार बंदा करता है। क्योंकि जानदार बंदा उसने मेंटली जानदार कहा है, मेंटली प्रिपेयर्ड बंदे को कहा है, मेंटली हैप्पीनेस को कहा है। अगर आप में मेंटली हैप्पीनेस नहीं है, इफ़ यू आर नॉट ऑप्टिमिस्ट, इफ़ यू आर नॉट पॉजिटिव थिंकर, देन यू विल सी द नेचर इन नेगेटिव वे, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि वो है ना कि शेर, क्या लुत्फ़ अंजमन का जब दिल ही बुझ गया, जब दिल बुझ जाएगा तो फिर अंदर से जो है ना खुशियाँ नहीं निकलेंगी, आहें निकलेंगी, रोना धोना निकलेगा, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी उसको, नेचर अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ उसने नाम ही डिलाइट सॉन्ग रखा है, इसका मतलब वो रंगीन मिजाज बंदा है, नेचर से प्यार करता है, वो अंदर से खुश है, उसको खुशियाँ नज़र आती हैं। इसी को उसने कहा है कि मैं ज़िंदा हूँ, ये ज़िंदा रहने की उसने एक निशानी बताई है कि अगर मैं ज़िंदा हूँ तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही, समझो मैं ज़िंदा हूँ, मैं इनका हिस्सा हूँ। आगे उसने आखिरी जो लाइनें हैं उसमें उसने कुछ और चीज़ बताई है, देखते हैं क्या बताया है। ये चीज़ें बता के ना हमें उसने कहा है, यू सी, आपको मुखातब किया है, हमें मुखातब किया है, उसने कहा आपने देखा है, क्या देखा है, आई एम अलाइव, आई एम अलाइव, कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। क्यों उसने कहा मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, साथ क्या दिया, आपने देखा ये चीज़ें, अब बर्ड भी ज़िंदा है, मैं बर्ड बन जाता हूँ, मैं ज़िंदा हूँ तो बनता हूँ ना, मैं बच्चे का साया बन जाता हूँ, मैं ज़िंदा हूँ तो बनता हूँ ना, मतलब कि मैं मेंटली ज़िंदा हूँ, आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड टू इन्जॉय द नेचर इन माई ओन वे, मैं अपने तरीके से नेचर को इन्जॉय करता हूँ और मुझे अच्छी लगती है। कहता है मैं, आपने देखा मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। इसके अलावा कुछ और बात भी की है, यहाँ तिथि बनने की, मैं ये बन जाता हूँ, मैं ये बन जाता हूँ, मैं ये बन जाता हूँ। आगे वो कुछ और भी कह रहा है, वो कह रहा है कि आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द अर्थ, अर्थ कहते हैं ज़मीन को, और जितने जो प्लैनेट्स हैं ना, अर्थ है या नेपच्यून है, प्लूटो है, यूरेनस है, सबके साथ दी लगता होता है। यहाँ देखें अर्थ है, ज़मीन है, दी लगा हुआ है, टू प्रेपोजिशन है, रिलेशन होता है लिंक, गुड होता है अच्छा, इन में प्रेपोजिशन है, स्टैंड वर्ब है आई, कहता है आई स्टैंड, यहाँ स्टैंड खड़े होना नहीं है, मैं बताता हूँ क्या मतलब, आई स्टैंड इन अ गुड रिलेशन, मेरा अच्छा रिश्ता कायम है, अच्छा रिश्ता खड़ा है, अच्छा रिश्ता जुड़ा हुआ है, मेरा जो गुड रिलेशन है, मेरा जो लिंक है वो जुड़ा हुआ है, वो खड़ा है, वो कायम दायम है, किसके साथ, अर्थ के साथ, ज़मीन के साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, वो कह रहा है मेरे ज़मीन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मेरी ज़मीन के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। क्यों रिलेशन है, कि ज़मीन जो है ये भी इंसान के फ़ायदे के लिए ही यूज़ की गई है, और जो चीज़ इंसान के फ़ायदे के लिए यूज़ की गई है, इंसान पैदा किया तो उसकी, उसके खाने पीने का इंतज़ाम भी अल्लाह ताला ने किया। तो कह रहा है कि ज़मीन को मैं अपना फ्रेंड समझता हूँ, इस ज़मीन के साथ मेरा अच्छा रिश्ता है, इस ज़मीन से मैं पैदावार लेता हूँ, इस ज़मीन से मैं गंदम निकालता हूँ, चावल निकालता हूँ, खेतियाँ निकालता हूँ, गन्ने निकालता हूँ, ये मेरी हेल्प करती है, तो मुझे ज़मीन से भी प्यार है, अपनी मिट्टी से प्यार है, आई एम लवर ऑफ माई सॉयल, मैं अपनी ज़मीन का जो है ना लवर हूँ, और ये नेचर का लवर हो गया। फिर कहता है आई स्टैंड गुड रिलेशन टू द लॉर्ड्स, लॉर्ड्स का एल कैपिटल है, स्मॉल है सॉरी, और प्लूरल है लॉर्ड्स, अगर कैपिटल होता और सिंगल होता तो अल्लाह ताला के लिए आ सकता था, यहाँ लॉर्ड्स से मुराद है उसके जो किन्स हैं, उसके जो एल्डर्स हैं, उसके जो बड़े भाई हैं, वालदैन हैं, रिश्तेदार हैं, जो उससे बड़े हैं, उसका बॉस भी हो सकता है, उसके कुछ चाचे ताए भी हो सकते हैं, उसके और रिश्ते भी हो सकते हैं, माँ बाप हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं जो उसके बड़े हैं,
खा वो बॉस है, खा वो कोई उसका आका है, कोई उसका मालिक है, कोई उसका जो है ना वो इम्प्लॉई है या एम्प्लॉयर है, दोनों में कुछ भी है। तो कह रहा है मेरे जो बड़े हैं, मेरे जो आकाएँ हैं, मेरे जो मास्टर्स हैं, कहता है मेरा उनके साथ भी बड़ा अच्छा रिश्ता है, ये नहीं कि मैंने बिगाड़ के रखी हुई है। नो, यही तो पॉजिटिव थिंकर की बात है। पॉजिटिव थिंकर जो है वो हर चीज़ को पॉजिटिव देखता है। कल आपने इससे पहले एक पोएम आपने पढ़ी थी वो जो इन ब्रोकन इमेज, उसमें वो हर चीज़ को नेगेटिव देखता था ब्रोकन। एक आप और तो इस तरह पोएम जो होती हैं हर एक का एक अलग अलग मैसेज होता है। तो अ वर्ड अ मैन ऑफ अ वर्ड, ये आपने पढ़ी थी, नॉट डीड, एक आदमी एक मैन ऑफ वर्ड एंड नॉट ऑफ डीड, ये आपने पोएम पढ़ी है जिसका जिसका थीम ही यह है कि वो आदमी नेगेटिव सोचता है, सिर्फ वर्ड का आदमी है। तो सेम यहाँ ये पॉजिटिव है, अपोजिट चल रहा है, ये हर चीज़ को पॉजिटिव देखता है, नेचर को असल में ये है, ये लोग हैं ही नेचर के पुजारी, दे आर गुड वर्शिपर ऑफ नेचर, वो नेचर को ही सारा कुछ समझते हैं। वर्ड्सवर्थ का भी यही हाल था, वो तो कह रहा है आई एम ट्रू वर्शिपर ऑफ नेचर। तो यहाँ ये जो है ये भी यही बात कर रहा है, आई एम गुड रिलेशन विद द लॉर्ड, मेरे लॉर्ड के साथ बहुत अच्छे तलकात हैं, मेरे आकाओं के साथ अच्छे तलकात हैं, रिश्तेदारों के साथ अच्छे तलकात हैं, यानी मैंने किसी के साथ बिगाड़ा नहीं हुआ। फिर वो कह रहा है आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द ऑल दैट इज़ ब्यूटीफुल, जो चीज़ें ब्यूटीफुल हैं मेरा उनके साथ भी बहुत अच्छा रिश्ता है, मेरा उनके साथ भी बहुत अच्छा लिंक है, यानी मैं उनके साथ भी खड़ा हूँ, मैं उनका भी दोस्त हूँ। तो ब्यूटीफुल चीज़ें क्या हैं, ब्यूटीफुल चीज़ें आप देखें माउंटेन है, ब्यूटी ऑफ नेचर की बात कर रहा है ये, माउंटेन हो सकते हैं, ट्री हो सकते हैं, वाटरफॉल्स हो सकती हैं, क्लाउड्स हो सकते हैं, रेन हो सकती है, सन हो सकता है, मून हो सकता है, ज़मीन पे फ्लावर हो सकते हैं, वेजिटेशन हो सकती है, क्रॉप्स हो सकती हैं, जो चीज़ें भी किसी भी तरह से इसको फ़ायदा पहुँचाती हैं, ये सारी की सारी इंसान के फ़ायदे के लिए यूज़ की गई हैं, फ़ायदे के लिए बनाई गई हैं। तो कह रहा मेरा उन ब्यूटीफुल चीज़ें जो है ना उनके साथ मेरा भी बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छे मेरे लिंक्स हैं उनके साथ। वन लास्ट, आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू ऑल दैट इज़ फ्रूटफुल, जो फ्रूटफुल है मेरे लिए, जो मेरे लिए सूदमंद है, जो मेरे लिए बेनिफिशरीज हैं, जो मेरे लिए चीज़ें, वो भी उनसे भी मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, उनसे भी मैं मेरे बहुत अच्छे लिंक्स हैं। आई हैव अ गुड रिलेशन विद द थिंग्स दैट आर फ्रूटफुल फॉर मी, जो चीज़ें मेरे लिए फ्रूटफुल हैं उनको कह रहा है कि वो उनसे भी मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है। क्लियर। अब इतनी बातें करके आपसे फिर सवाल किया उसने, यू सी आई एम अलाइव, तुमने देखा मैं जिंदा हूँ, मतलब कि आप वो कह रहा है कि मुझे आप कहीं मुर्दा ना समझ लेना कि मैं मेंटली मुर्दा हो चुका हूँ, नहीं मैं जिंदा हूँ, और यही वजह है कि मैंने ये सारी चीज़ें इंजॉय की हैं, और ये जो है ये मेरे रिलेशन भी लोगों के साथ कायम हैं और मैंने चीज़ें भी इंजॉय की हैं। तो आपने देखा इस पोएम में कि एक उसने बात की है ब्यूटी ऑफ नेचर की। तो लेट अस मूव टू इट्स थीम, कहता है ए लिविंग एंड ऑप्टिमिस्ट पर्सन, एक जिंदा दिल बंदा जो है ना, और ऑप्टिमिस्ट होता है पॉजिटिव थिंकर, एक ऑप्टिमिस्ट पॉजिटिव थिंकर और एक जिंदा दिल बंदा क्या है, स्पेंड अपना टाइम गुजारता है, कैसे गुजारता है, होपफुल पुरमीद तरीके से, एंड एथ्यूजिस्टिक और पुरजोश तरीके से, इंटरेस्ट लेकर दिलचस्पी लेकर नेचर से, बोरिंग डे नहीं गुजारता वो, एंड माइंडफुल लाइफ और दूसरों का एहसास भी करता है वो, दिस इज का माइंडफुल लाइफ, ही इंजॉयज एंड प्लेज, वो इंजॉय करता है और खेलता है विद नेचर के साथ एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स और इसकी चीज़ों के साथ, इसकी नेचर के साथ और इसकी जो सीनरीज हैं, नेचर और ब्यूटी ऑफ नेचर, कह रहा है वो इसको इंजॉय करता है, इसको इसके साथ खेलता है वो, ये खेलते तो दिखाया है, कभी वो जो है वो फैदर बन जाता है, कभी वो फिश बन जाता है, कभी बच्चा बन जाता है, कभी ईगल बन जाता है, ये तो खेल ही तो रहा है ये। फिर वो कहता है ही लाइक्स ऑल द हेवनली एंड अर्थली बॉडीज़, वो आसमानी और ज़मीनी तमाम बॉडीज़ को पसंद करता है,
आसमानी की बात आपने कर ली है, वो क्लाउड्स को पसंद करता है, रेन को पसंद करता है, उसने मून की बात की है, ईगल की बात की जो आसमान पे उड़ता है, फिर उसने कहा है अर्थली आ गया, ज़मीन पे, ज़मीन की चीज़ें हैं, फ्लावर हैं, वेजिटेशन है, पानी है, वाटरफॉल्स हैं, रिवर्स हैं, कैनल्स हैं, ट्रीज़ हैं, और ऑर्चर्ड हैं, गार्डन है, वो सारे के सारे कह रहा है मैं इनको पसंद करता हूँ। ही स्टैंड्स इन गुड रिलेशन। अच्छा, साथ साथ एक और बात जो यहाँ की ना, उसका अच्छा रिलेशन भी कायम है, किन के साथ? लॉर्ड्स के साथ, ब्यूटीफुल एंड फ्रूटफुल थिंग्स के साथ, जो खूबसूरत चीज़ें हैं ना उनके साथ उसका एक रिश्ता भी कायम है। फिर लास्ट में कहता है इट शोज़, इससे पता चलता है दैट द पोएट इज़ अलाइव एंड एक्टिव, कि पोएट ना सिर्फ ज़िंदा है बल्कि एक्टिव भी है, ज़िंदा सांस चल रही है उसको ज़िंदा कहते हैं। लेकिन यहाँ मुराद है कि दैट इज़ टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन नेचर, जो नेचर में कीन इंटरेस्ट रखता है, जो नेचर का पुजारी है, नेचर से प्यार करता है, नेचर को इंजॉय करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।